कोरोना संक्रमण के चलते छठ पर्व पर होने वाली भीड़ को देखते हुए सिंगरौली में जिला प्रशासन ने आयोजन समिति के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि छठ पूजा करने घाटों पर केवल उपवास रखने वाले लोगों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इन छठ घाटों पर किसी तरह के मेले या ठेले भी नहीं लगेंगे। भीड़ को रोकने के लिए यह भी निर्देशित किया गया है कि छठ घाटों पर अनावश्यक वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने वाले लोगों को जाने पर पूर्ण रूप से मनाही होगी। कोरोना संक्रमण और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस बार कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। जिले में छठ पर्व को देखते हुए अभी पुलिस अधीक्षक महोदय और DM साहब के साथ एक वृहद स्तरीय मीटिंग ली गई है, जिसमें आयोजन समिति के सारे लोग भी रहे हैं, विभिन्न कंपनी के प्रतिनिधि रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है कि कोविड को देखते हुए संक्रमण से सुरक्षा हम सबकी प्राथमिकता है और इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन सख्ती से किया जाएगा। त्यौहार मनाने से किसी को रोक नहीं है, सभी मनाएं, लेकिन सुरक्षा और संक्रमण का ध्यान लगातार रखना पड़ेगा। क्या क्या सुरक्षा सावधानियां? किसी भी घाट में मेले ठेले के आयोजन नहीं होंगे। घाट पर व्रती के अलावा अन्य जो घूमने फिरने जाया करते थे वो पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।